ओके वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी की जरूरत पड़ती है और जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो होती है केंचुआ। और केंचुए का चुनाव ही वर्मी कंपोस्ट की सक्सेस का सबसे पहला कारक है। आप देखिए कि जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो हम केंचुए लेंगे वो आइसिनिया फोइटिडा नामक स्पीसीज के प्रजाति के केंचुए लेंगे, क्योंकि इस प्रजाति की जो सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये जो केंचुआ 90% ऑर्गेनिक मैटर खाता है और 10% मिट्टी खाता है। और जो दूसरे प्रकार के केंचुए होते हैं वो 90% मिट्टी खाता है और 10% गोबर खाता है। अब यदि इस उन दूसरे केंचुए को हम लाके गोबर में छोड़ेंगे, वो मिट्टी खाने वाले केंचुए हैं, वो यहां से चलकर वापस मिट्टी में चले जाएंगे। इसलिए ये केंचुए ही गोबर के लिए सबसे जो अच्छी माने जाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि वर्मी कंपोस्ट की दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है वो होती है छाया, कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छाया सबसे इम्पोर्टेंट है। छाया आप पक्के टिन शीट का कर सकते हैं, और यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप क्या करें, जो ग्रीन नेट होता है उस ग्रीन नेट को ऊपर लगाकर बांस की सहायता से उससे आप छाया कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन कारक है कि आपका फर्श पक्का होना चाहिए, क्योंकि जितना न्यूट्रिएंट्स है उसके जो पोषक तत्व वो नीचे लिस्ट डाउन नहीं हो, नीचे नहीं जाए जमीन में। इसलिए हम क्या करें कि नीचे या तो पक्का फर्श करें, जो महंगा खर्चा आएगा उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, और दूसरा आप इसी एक प्लास्टिक की जो पन्नी आती है वो आप नीचे बिछा दीजिए, उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे नहीं जा पाएंगे। मार्केट में 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी जो प्लास्टिक की पन्नी आती है उसकी कॉस्ट आती है 1000 रुपए, और हजार रुपए में जो आपकी जो पन्नी आएगी वो 100 फीट लंबी आने के कारण उसमें आप लगभग 15 से 20 बेड आराम से 4 फीट चौड़ी बना सकते हैं। मैं जो इसके आगे कैसे बनाए वो तरीका बाद में बताऊंगा, पहले मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो आप 100 फीट लंबी लाएंगे उसका 1000 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है साहब। इस प्रकार से उसमें आप 15 से 20 बेड बना लेंगे। यदि यही आप यदि पक्का करेंगे, मगर पक्का फर्श करेंगे और पक्का टेंट शेड लगाएंगे तो उसमें लगभग आपका 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। और आप ऐसे करेंगे तो 1000 रुपए की पन्नी और 4-5 हजार रुपए ग्रीन नेट आएगा, जिसमें आपका 5-6 हजार रुपए में आप 20 बेड का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब आप देखिए कि वर्मी कंपोस्ट के लिए जो चौथा मेन सबसे बड़ा जो कारक होता है वो होता है पानी, नमी। इसके लिए क्या कि केंचुए की बॉडी से लगातार 24 घंटे पानी निकलता है, उसको हम वर्मीवास कहते हैं। और जब पानी निकलता है तो उसको वापस पानी पीने की जरूरत पड़ती है, बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए हमें हर दिन पानी का छिड़काव करना जरूरी होता है। चलो अब मैं बताता हूँ इसका मेथड क्या है। मेथड देखिए, मेथड पहले आपको मैं एक बार केंचुए वापस दिखाता हूँ, क्योंकि किसानों का कहता है कि केंचुए कैसे हो। आप देख पा रहे हैं कि ये आइसिनिया फोइटिडा नामक थोड़ा रेडिश कलर का होगा और ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से बनाएं। तो जो बेड है जो आप गोबर बिछाएंगे, 4 फीट तो उसकी आप चौड़ाई रखेंगे, 1.5 फीट उसकी ऊंचाई रखेंगे, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 25 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा तिरपाल, तो आप 25 फीट उसकी लंबाई रखिए, 4 फीट चौड़ाई रखिए और 1.5 फीट इसकी ऊंचाई रखिए। गोबर की चुनाव कैसा होना चाहिए, गोबर ताजा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज गाय दे रही है गाय और उसी दिन लाके डालो, नहीं। आप पहले 20 दिन गोबर को एक छाया के अंदर ठंडा करिए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करिए, जिससे क्या होगा इसकी जितनी गर्मी होगी हीट होगी वो निकल जाएगी बाहर, और जो मैथेन और गैस है वो भी निकल जाएगी। फिर आप उस गोबर को बिछाइए डेहरी के नु में, 4 फीट चौड़ा 1.5 फीट जो मैंने आपको बता दिया है, लंबा 25 फीट चौड़ा बिछा के उसके ऊपर आप केंचे छोड़ दो। केंचुए लगभग 25 फीट जो लंबाई है, 4 फीट चौड़ाई, 1.5 फीट ऊंचाई है, उसके अंदर लगभग आपके 15 किलो केंचुए आएंगे। चाहिए 15 किलो केंचुए। आप मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऊंचाई 1.5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 1.5 फीट से ज्यादा ऊंचाई होगी तो वो वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये जो आइसिनिया फोइटिडा केंचुआ ये ईपीजी है, सरफेस केंचुआ है, इसको हम सतही केंचुआ कहते हैं, ये गहराई में नहीं जाता है। इस प्रकार से आप इस पे केंचुए डालने के बाद में जो ये बोरी है, गनी बैग है, इससे आप क्या करें इसको इस प्रकार से उस ढेरी को ढक देंगे। ये ढकने के बाद में आपको इस बोरी को आपको हमेशा गीली रखनी है। तो आप सुबह शाम इसके, गर्मियों में सुबह शाम पानी का छिड़काव करना है और सर्दियों में 2 दिन से पानी का छिड़काव करना है। इस प्रकार से आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में 60 दिन का समय लगता है। 60 दिन बाद में जो आपने 10 किलो केंचुए डाले हैं, वो 10 से 15 किलो केंचुए डाले हैं, वो केंचुए लगभग 4 से 5 गुना उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लगभग 60 किलो केंचुए के आसपास आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आप उन केंचुए को अलग कैसे करें 60 दिन बाद में।
और सबसे पहले 60 दिन बाद में आप देखें कि आपका जो खाद है इस प्रकार से चाय की पत्ती नुमा काला हो जाए तो इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया। तो आप क्या करें, डेढ़ फीट है आप गहरा, उसको पूरा ऐसे हाथ दीजिए। यदि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक आपका खाद बिल्कुल इस प्रकार से तैयार हो गया हो तो इसका मतलब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब केंचुए को अलग करने के लिए क्या करें, जो आपकी 25 फीट लंबी बेड है उसमें जगह जगह इस प्रकार से खड्डे कर दे, गोल गोल ऐसे खड्डे कर दे जगह जगह 5-7, और फिर वापिस नया गोबर लेना है जो 10 दिन ठंडा हो, और उसके इस प्रकार से गोले बना के और उन गोलों को इस प्रकार से डाल दो और इसको ढक दो जगह जगह। जो कच्चा गोबर डालेंगे तो पूरे के पूरे केंचुए खाने के लिए उस कच्चे गोबर में आ जाएंगे, और ये सबसे बढ़िया तरीका है केंचुए अलग करने का। इस प्रकार से 60 दिन में आप वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और 5-6 गुना केंचुए प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप मेरा जो चैनल, खुद का चैनल है डॉक्टर ग्रीन, डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो ये सर आपको लास्ट में सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप इसी प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित वीडियो चाहते हो तो सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये देखिए आप, ये एक नंबर, जैसे ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के आप बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप जाके जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और जानकारी, इंक्वायरी चाहते हो तो हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। आप नंबर डालिए, कमेंट करिए, हमें, हम आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।